आपका गोल्डन कोचिंग के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम कैटेगरीज ऑफ टाउन्स पढ़ रहे थे, अगली कैटेगरी हम लेंगे। हमने पिछली बार हमने चौथी कैटेगरी तक पढ़ा था, आज हम पांचवी कैटेगरी देखेंगे जिसमें कैटेगरी फिफ्थ ऑफ द नाउन। इन दिस कैटेगरी द नाउन्स आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। इस कैटेगरी में कौन सी नाउन्स आएंगी जो सिंगुलर में और प्लूरल में समान रहती है, उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता। बहुवचन में भी वैसे ही बोलेंगे हम और एकवचन में भी वैसे ही बोलेंगे हम। दे आर इन आइडेंटिफाइड थ्रू वर्ब। इनको कैसे पहचानेंगे हम? वर्ब की सहायता से। अगर वर्ब एकवचन है तो वो भी एकवचन का कार्य कर रही है, बहुवचन है तो वो भी बहुवचन का कार्य कर रही है, ठीक है। इफ वर्ब इज प्लूरल दे आर प्लूरल एंड इफ द वर्ब इज सिंगुलर दे आर सिंगुलर। देखिए द लिस्ट ऑफ दीज नाउन्स, इन नाउनों की हम कुछ लिस्ट दे रहे हैं ताकि कुछ को याद करने से आपको सबका आइडिया लग जाएगा कौन कौन सी इसमें होते हैं। जैसे शिप SHEEP, शिप भेड़। अगर एक भेड़ होगी तब भी हम शिप कहेंगे, हजार होंगी तब भी हम शिप कहेंगे। इसी कार से फिश मछलियां, एक होगी तब भी फिश बोलेंगे, अनेक होगी तब भी फिश। कॉर्प्स टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, स्काउट की टुकड़ी, खिलाड़ियों की टुकड़ी। तो अगर यदि एक टुकड़ी होगी तो भी कॉर्प्स कहेंगे, दस टुकड़ियां होंगी सेनाओं की तो भी कॉर्प्स कहेंगे। ऐसे ग्रोस, एक ग्रोस में 12 दर्जन होते हैं, अगर दो ग्रोस होंगे तब भी ग्रोस कहेंगे हम, 20 होंगे तब भी ग्रोस कहेंगे, ग्रोसेज नहीं कहेंगे। बिसन बोलते हैं जंगली सांड को, एक होगा तब भी बिसन और 10 होंगे तब भी बिसन कहेंगे। ऐसे योग, बैलों का जो झूला होता है उसको योग बोलते हैं। पाइस पैसा, एक पैसा होगा तो भी पाइस, 100 होंगे तो भी पाइस, पाइसेज नहीं। इसका डाइस देखा होगा आपने, अपन पासे जो खेलते हैं चंगा पो वगैरह, उसमें तो डाइस, एक होगा तब भी डाइस, अनेक होंगे तब भी डाइस। ऐसे स्पाइन जंगली सुअर को कहते हैं, कौन से जंगली सुअर? मादा जंगली सुअर, इसके काटने से हमें स्वाइन फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो ये स्वाइन उसी से वो निकलती है बीमारी। तो स्वाइन एक होगा तब भी स्वाइन बोलेंगे और 10 मादा जंगली सुअर होंगे तब भी हम स्वाइन बोलेंगे। चैसिस, आपने देखो होगा ट्रक की बॉडीज वगैरह जो आगे की होती है जीप, उसको हम चैसिस बोलते हैं, चाहे एक हो चाहे 10। ऐसे प्रकार से हॉवरक्राफ्ट, जो आपके उड़ान संबंधी जो विषय होते हैं उनको हम हॉवरक्राफ्ट कहते हैं। रेंट हैज बॉस, जो उदंडी लोग होते हैं उनके अड्डियों को हम, गुंडे बदमाशों के अड्डों को रेंट हैज बॉस कहते हैं, एक होगा तो भी 10 होंगे। स्पेसिस प्रजातियां, जैसे जाति होती है उनकी भी प्रजातियां होती हैं उपजाति, उनको हम प्रजाति स्पेसिस कहेंगे, एक होगी तो अनेक होगी। ऑफ स्प्रिंग्स OFFSPRING ऑफ स्प्रिंग, संतति चाहे जानवरों की है मनुष्य की हो, उनकी संततियां को संतानों को ऑफ स्प्रिंग है। एपारेटस APPARATUS अपारेटिस, जो लैब वगैरह में हमारे काम आते हैं यहाँ अपारेटिस, तो एक होगा तो भी अपारेटिस और 10 होंगे तो भी अपारेटिस। इनको हम इनका बहुवचन नहीं बनाते, ये एक वचन में काम लेंगे तो हम एक वचन की क्रिया लगा देंगे, बहुवचन में काम लेंगे बहुवचन की लगा देंगे हम, ठीक है। अब देखो जैसे हम इसका उपयोग करें, ऐसे ए सीरीज ऑफ लेक्चर, हम लेक्चर्स नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड, भाषणों का एक क्रम जारी रखा, डिलीवर्ड दिया गया, सुनाया गया। फिश कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, हम फिशेज नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा, फिश ही करना है। फिश कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर,
अब यही इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं आपके परीक्षा में, ए बी ये सी, तो कोई मिस्टेक नहीं है, ई आंसर हो जाएगा। वो पूछे कौन से सेक्शन में मिस्टेक है, किसी में भी मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक पूछ रहा है तो वो इस प्रकार देगा, इन विच पार्ट दे जाएगी मिस्टेक, इन विच पार्ट कर दे, ये रॉन्ग हो जाए, तब हम आंसर भी डाल। नेक्स्ट उदाहरण ले, एक और उदाहरण ले, ए शिप वाज ग्रेजिंग ग्रास, एक भेड़ घास खा रही थी, तो ए शिप यमाज लगा दी, इसका मतलब एक वचन है ग्रेजिंग ग्रास, इसमें भी नो एरर, आंसर क्या हो गया हमारा ई। हम इसी प्रकार से शिप वर ग्रेजिंग ग्रास, भेड़ घास खा रही थी, इसमें भी नो एरर, ई सेक्शन हो गया। हम शिप्स नहीं कर सकते, अगर वो मिस्टेक पूछता और ये शिप्स होता तो हमारा आंसर इस परिस्थिति में क्या हो जाता, फिर ए हो जाता, क्योंकि ये इसमें मिस्टेक। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। हम एक वचन में लिखेंगे चाहे बहुवचन में लिखेंगे, शिप ही आएगा, शिप्स नहीं हो सकता, ये कोई वर्ड नहीं है, इसमें ऐसा नहीं लगता। अब देयर वर फिशेज इन द मार्केट, बाजार में विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। हम जो फिश के आगे ऐसा लगाते हैं तो विभिन्न प्रकार के फिशेज से अर्थ होता है, फिशेज का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज। बाजार में जो छोटी छोटी मछलियाँ आपको बिकती है सुंदर उसमें सजाने के लिए एक्वेरियम में, तो वो फिशेज होता है, यानी फिशेज मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज। इसका मतलब ये बात भी क्या सही है, देयर वर फिशेज इन द मार्केट, ये क्या हो गया नो एरर, आंसर हो गया हमारा। लेकिन अगर ये होता गाय में जीवित रहती हैं नदी में, पानी में, नदी की जगह हम वाटर भी कर सकते थे, पानी में जीवित रहती हैं, पलती है। ठीक है, तो हम फिशेज की जरूरत नहीं है, मछलियों का मतलब मछलियों के सभी प्रकारों से है, सभी प्रकार की मछलियां बिना पानी के रह नहीं सकती, कैन नॉट सर्वाइव इन दी वाटर विदाउट वाटर, बदल देगा। जैसे हमने फिशेज करा, इसका मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज हो गया, विभिन्न प्रकार की, लाल हरी पीली छोटी बड़ी इस प्रकार की। ठीक है, सिक्स्थ, अपने नोट्स अबाउट द लेंथ मीजर मनी वेट नंबर और काउंटिंग सिस्टम, काउंटिंग एनी नंबर इज एड बिफोर द नाउंस दे आर नॉट रिटन इन प्लूरल, अगर हम किसी की भी संख्या दे देंगे किसी के तो वो अपने आप में ही बहुचन बता देता है, इसलिए इसका बहुचन नहीं बनाते, बिकॉज देयर नंबर शोज इटसेल्फ इट्स प्लूरल, क्योंकि इनकी जो संख्या हम बताते हैं वो संख्या ही बता देती है अगर वो बहुचन में तो कितनी है, इसलिए इन संज्ञाओं का हम बहुचन नहीं बनाते, जो या तो हमारी लंबाई को बताती हो, मीजर को पैमाइश को बताती हो, मनी मुद्रा को बताती हो, या वेट को भार वजन को बताती हो, या नंबर को संख्या को बताती हो, या किसी गिनती को बताती हो, काउंटिंग को बताती हो, काउंटिंग यानी नंबर इज एड बिफोर दैम, अगर किसी संख्या से पहले उनके संख्या लिख दी जाती है तो दे आर नॉट रिटन इन द प्लूरल, उनको हम बहुवचन में बना के नहीं लिखते हैं, बिकॉज देयर नंबर शोज इटसेल्फ इट्स प्लूरल, क्योंकि इनके जो अपने आप की संख्या है वही उनका बहुवचन बता देती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले, हम जो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है देखो, फॉर एग्जाम्पल बी ए इस थ्री ईयर डिग्री कोर्स, तो यह थ्री ईयर्स नहीं करेंगे, अब इस सेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं है, हमारा आंसर क्या हो गया ई। लेकिन अगर सपोज करो अगर वो यहां पर ईयर्स कर देता तो यह सेक्शन क्या हो जाता, मिस्टेक हो जाता, तब हम आंसर क्या लिखते हैं बी। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देखो, आई हैव 10 dozen बनानास या ऑफ बनानास, नो एरर, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं, हमारा आंसर क्या है। लेकिन सपोज करो अगर यहां पे वो 10 dozen कर देता तो ये हमारा सेक्शन क्या हो जाता, मिस्टेक हो जाता, तब हम आंसर क्या देते, इसके अंदर सी डाल देते, सॉरी ये सी है, देखो ये भी सी। ठीक है,
तो यहां पर हमको देखना यह है कि किस सेक्शन में मिस्टेक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। बहुवचन नहीं बनाते जब वो लंबाई हो, मीजर हो, मनी हो, वेट हो, नंबर हो या काउंटिंग सिस्टम। लेकिन अगर इनडेफिनेट नंबर है अगर, तो उसका बहुवचन बनाया जाता है। संख्या निर्धारित नहीं होती कितना बहुवचन है इसलिए, ठीक है। जैसे मैं इसमें भी हमारा क्या है कर देता, हमारा सेक्शन हमारा हंड्रेड, अगर ए हंड्रेड होता तब तो निश्चित होता ना 100, लेकिन हंड्रेड माइल्स सैकड़ों मील या हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, तो हंड्रेड्स यानी सैकड़ों, तो अगर वो हंड्रेड्स कर दे हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स आएगा ना कि माइल, सैकड़ों मील की लंबाई बहुत लंबाई होती है, यानी जिसके अनंत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको देखना है कि अगर यदि अनिश्चित संख्या, जैसे हम कहें हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, तब हम क्या करेंगे माइल्स लिखेंगे, अगर हंड्रेड आ गया तो हम क्या करेंगे ध्यान से कि हंड्रेड्स लिखे है इसका मतलब अनिश्चित है, क्या है अनिश्चित। तो हमको ध्यान देना है कि अगर अनिश्चित होगी तब तो इसका बहुवचन बनाएंगे, और अनिश्चित नहीं होगी तो हम इसको क्या करेंगे एक वचन में ही लिखेंगे, क्लियर। अबे डजन्स ऑफ बनानास, हमने दर्जनों केले फेंक दिए, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि दर्जनों का मतलब पता नहीं कितने दर्जन है, अनिश्चित होगी कि नहीं संख्या है, डजन्स का मतलब अनिश्चित दर्जन, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हमारा ई, क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर वो डजन कर देता है इसको डजन, तो ये मिस्टेक हो जाता कौन से सेक्शन में, सी में, तब हम आंसर क्या देते हैं भाई सी डालते। अगर सपोज करिए ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के आ जाए, वी गेव अवे टेन, अब यह संख्या दे दी टेन डजन, अब ये डजन नहीं करेंगे, टेन डजन ऑफ बनानास, ठीक है। तो इसमें भी सेक्शन क्या है ई है, नो मिस्टेक। लेकिन अगर सपोज करो उसने संख्या दे दी, वी गेव अवे टेन डजन की जगह डजन लिख दिया, अब ये संख्या दे दी टेन, तो डजन नहीं करेंगे यहाँ का हम, ये मिस्टेक हो गई, क्लियर। क्योंकि 10 से पता है बहुवचन है तो कितना है, तो ये इस प्रकार से क्या है मिस्टेक होगी, तब हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे सी हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से ध्यान दें, अगर निश्चित संख्या दे दी जाए तब तो बहुवचन भी बनाएंगे, अनिश्चित संख्या हो तो बहुवचन बना के लिखेंगे। छात्रों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आपको ये चीज़ें पसंद है, तो आप मेरे इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें आप, ताकि आपको सब्सक्राइब करने से मेरे अन्य जो वीडियो हैं वो सीरीज में तुरंत आपको उस आइडेंटिटी पे मिलते चले जाए, क्योंकि आपकी आईडी मेरे आईडी को कैच कर लेगी, जैसे खोलेंगे तो अगला